नमस्कार, मैं हूँ सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियाँ जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। शुरू करते हैं आज की कहानी। मिसेस कुमार आज सुबह से ही अपनी किटी पार्टी को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फोन में ग्रोसरी ऐप पर चीजें ऑर्डर करके डिलीवरी का वेट कर रही थी। सारी तैयारी करनी थी ताकि किट्टी पार्टी एकदम ऑसम हो। ग्रोसरी और वेजिटेबल्स की डिलीवरी तो आ गई, अब बस मिसेस कुमार को अपनी कुक का इंतजार था। करीब 11 बजे उन्हें मैसेज आया कि उनकी कुक अनीता बारिश में फंस गई है। ये पढ़कर श्रेया का मुंह गुस्से से लाल हो गया। करीब 2 घंटे बाद कुक आई। मिसेस कुमार ने चिढ़ते हुए कहा, आज ही लेट होना था तुझे, यू आर सो इरेस्पॉन्सिबल। अनीता सहम गई, बोली, मैडम वो बारिश। उसकी बात को काटते हुए मिसेस कुमार ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया, सब्जी काट ले, राइस फ्राई कर, सैलेड ठीक से बनाना। उनकी आवाज में गुस्सा था। अनीता ने डरते डरते सब किया। तभी मिसेस कुमार को एक मैसेज आया, तू वो चॉकलेट केक बनवा रही है ना। मैसेज पढ़कर मिसेस कुमार चॉकलेट केक की तैयारी में जुट गई। केक के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर उन्होंने अनीता को अवन में रखने को कहा। तभी जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। अनीता के हाथ से बोल गिर गया। केक के सारे इंग्रेडिएंट्स फर्श पर फैल गए। अनीता सॉरी 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 मैडम कहकर रोने लगी। किचन में सन्नाटा छा गया। मिसेस कुमार की फ्रेंड्स सिर्फ 1 घंटे में घर पर आने वाली थी। वक्त बहुत कम बचा था। किचन के फ्लोर पर बोल के टुकड़े और केक का सामान देखकर मिसेस कुमार आग बबूला हो गई। चीखते हुए बोली, जाहिल गवारों की तरह काम करती है, सारा केक बिगाड़ दिया, यू गुड फॉर नथिंग, अभी इसी वक्त निकल जा यहां से, कल से मत आना, समझ गई, गेट आउट। आंखों में आंसू लिए अनीता मिसेस कुमार के घर से चली गई। गुस्से में मिसेस कुमार काफी देर बड़बड़ाई, फिर एक दूसरी मेड को सफाई के लिए बुला लिया और केक शॉप से चॉकलेट केक ऑर्डर किया। करीब 2 बजे मिसेस कुमार की सारी फ्रेंड्स आई, फिर गॉसिप, नए फैशन ट्रेंड्स, हस्बैंड्स के प्रमोशन, बच्चों की स्टडीज जैसे सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए। मिसेस कुमार के स्पेशल चॉकलेट केक की भी तारीफ हुई। सोशल नेटवर्क्स पर लाइक्स और कमेंट्स भी आए। इसी बीच मिसेस कुमार को मिस्टर कुमार का फोन आया कि वो अपने रीजनल डायरेक्टर के साथ घर आ रहे हैं। मिसेस कुमार ने दरवाजा खोला, सामने मिस्टर कुमार एक गेस्ट के साथ थे। मिस्टर कुमार ने कहा, श्रेया ये है मेरे रीजनल डायरेक्टर मिस्टर वर्मा। मिसेस कुमार ने दोनों के लिए स्नैक्स और कॉफी सर्व की और अंदर चली गई। थोड़ी देर में मिस्टर कुमार ने आवाज लगाई, श्रेया एक एक कप कॉफी और भिजवा दो प्लीज। कुक अनीता को तो खुद श्रेया ने गुस्से से निकाल दिया था, इसलिए वो खुद ही कॉफी बनाकर लेकर आई। और जैसे ही टेबल पर ट्रे रखने को झुकी तो ट्रे हाथ से छूटकर सीधे लैपटॉप पर जा गिरी और लैपटॉप का स्क्रीन टूट गया। बॉस के लैपटॉप के स्क्रीन पर आए क्रैक को देखकर मिस्टर कुमार गुस्से में बोले, व्हाट इज रॉन्ग विद यू श्रेया, ध्यान कहां है तुम्हारा। इस पर बॉस ने कुमार से कहा, यार हाथ से स्लिप हो गया होगा, तुम भी, क्या तुमसे कभी गलती नहीं होती। और फिर श्रेया को देखकर बोले, थैंक यू सो मच श्रेया, कब से मैं इस पुराने लैपटॉप से परेशान था, तुमने छुटकारा दिला दिया भाई। इसी बात पर फर्श पे गिरे कप को उठाते हुए बोले, चलो एक कॉफी और बना दो एंड देन वी विल गो आउट फॉर डिनर। ये कहकर मिस्टर वर्मा वॉशरूम चले गए। मिस्टर कुमार ने ट्रे उठाई और श्रेया से बोले, सॉरी श्रेया, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। ये सब होता हुआ देखकर मिसेस कुमार को सुबह अनीता के साथ किया अपना बर्ताव याद आ गया और वो मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। डिनर पर जाने से पहले मिसेस कुमार ने अनीता को फोन किया और सॉरी कहा और काम पर वापस आने की रिक्वेस्ट भी की। सचमुच गुस्से की आग बस खुशियां जलाती हैं। जीवन का असली अर्थ मुस्कुराते हुए दिन बिताने में है, ना कि गुस्से से अपना नुकसान करने में।
तो आज से गुस्से को हराइए और मुस्कुरा कर अपना दिन बिताइए। दोस्तों, आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। कल आपसे फिर मिलूंगा इसी समय सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आपके चहेते शो अर्थ में।